हेलो लवलीज, देखिए मैंने फिर से एक बार अमेज़ॉन से मंगवाया है एक पार्सल। होम डेकोर का होने वाला है एंड अगेन ये जो है मेरी फेस्टिवल्स की तैयारी बिल्कुल चल रही है। लास्ट ईयर मैंने दिवाली के जस्ट पहले ही एक ऑर्डर किया था और मुझे वो रिसीव हुआ नहीं था, तो मैं बहुत बेवकूफ़ बन गई थी, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हुई थी और मेरा बिल्कुल मूड ख़राब हो गया था। इसलिए इस बार मैं कोई भी रिस्क लेने वाली नहीं हूँ, मैंने सारी शॉपिंग पहले से ही कर ली है, परचेसिंग पहले से ही कर ली है। और अगर आपको भी ऐसा ही रिस्क नहीं लेना है तो डेफिनेटली मेरे चैनल पर जाकर के होम डेकोर प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। आपको सारे बढ़िया बढ़िया होम डेकोर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो अगर फेस्टिवल रिलेटेड आपको कोई भी अगर आउटफिट लेना है तो आप फैशन प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर करिएगा। डेली वेयर पार्टी वेयर के बहुत ही अच्छे अच्छे सूट्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हुए हैं। आज के लिए मैं क्या आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, पिक में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली होने वाली हैं वाटर सेंसर की कैंडल्स, जो कि मैंने एक बार पहले भी आपके साथ शेयर करी थी, बट वो थी लोटस वाली। और इस बार जो मैंने मंगवाई हैं ये होने वाली हैं दिए की शेप में, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी होने वाली हैं कैंडल्स। ये देखिए कुछ इस तरीके से रिसीव हुई हैं एंड ये जो है इनका ये सबका अलग ही निकला पड़ा है। ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है, पता नहीं सेलर्स कैसे देने लग गए हैं। ये देखिए इस तरीके से फिक्स करना पड़ेगा मुझे। पहले जो है ढंग से पैकेजिंग आती थी, अभी पैकेजिंग बड़ी बेकार सी आने लग गई है। तो इस तरीके से ये कुछ पीस रिसीव हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 पीस रिसीव हुए, बट इसमें तो 6 होने चाहिए थे। देखिए इसमें लिखा भी है 6 पीस रिसीव होएगा, बट मुझे रिसीव हुए 5। ओके 6 है, राइट, ओके राइट 6 है, मेरी काउंटिंग में ही गलत हो गया था। ये देखिए अभी ऐसे आया है, अभी अब मेरे को वही डाउट हो रहा है, अभी कुछ जलेगा कि नहीं जलेगा, सो आई हैव टू चेक देम। इन सभी को मुझे चेक करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से कि ये हो भी रहा है, जल भी रहा है कि नहीं। इसमें करना क्या, देखिए यहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं और ये बिल्कुल दिए की शेप में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे पानी भर देना है, जैसे कि दिए जलाने के लिए तेल भरा जाता है, यहाँ पर आपको पानी भर देना है एंड ये जो लाइट है ये अपने आप कैंडल जो है लाइटन अप हो जाएगी, जो इसका बल्ब है। तो ये काफ़ी अच्छा है, एकदम फ्लेमलेस है। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं ना और आपको भी ये डर है कि कहीं बच्चे के चोट ना लगे या जल ना जाए, तो इस तरीके की चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं, जिससे बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है और साथ ही साथ जो है आपका होम भी अच्छे से डेकोर आप कर पाएंगे, उसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये सारी फिक्स कर ली हैं फ्लेम्स, और यहाँ पे मैंने सारी फ्लेम्स फिक्स कर ली हैं। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि ये कितना वर्क करता है या नहीं करता है, इसमें पानी डाल करके चेक करते हैं आपके सामने। तो ये देखिए मैं लेकर के आ गई हूँ पानी, और मैं थोड़ा सा ही पानी लाई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बेड पर बैठ करके इसे बना रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिल होए या कुछ फैले। तो ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर आपको सिर्फ जो है पानी को डाल देना है, और जैसे ही ये सेंसर पर टच होगा ना तो ये देखिए दिया जल जाएगा। बेसिकली ये जो सेंसर है ना, इसके ऊपर आपको खाली पानी डालना है और कुछ भी नहीं करना है, और ये जो है आपका दिया लाइटन अप हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक, तो इस तरीके से ये कुछ दिया जल जाने वाला है और ये आपका वर्क करेगा। और ये जो है ऐसा भी नहीं है कि तेल खत्म हो जाएगा तो आपको कुछ इशू आने वाला है, कुछ नहीं, ये आराम से ये जलता रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत भी नहीं आने वाली है। सिंपली अगर आपको इसको चेक करना है तो आप यहाँ पर इसको टच करके भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए लाइट ओपन हो गई। अगर आप नहीं चाहते हैं इसकी इसको सिर्फ चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंसर होता है। लोटस वाले में भी मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि आप सिर्फ हाथ से अगर टच कर दोगे ना तो ये आपका चेक हो जाएगा, ये सेंस होता है। तो ये आप आराम से इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि सारे जो आपके पीसेज हैं ये प्रॉपर कंडीशन में वर्किंग हैं या नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको हर एक में पानी डाल करके चेक करना पड़े। देखिए इसमें नहीं जल रहा है तो इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, ये नहीं लाइट हुआ, ये वाला पीस ख़राब है, ये देखिए ये वाला पीस ख़राब है, इसमें कोई भी लाइट नहीं जल रही, इसको देखते हैं अभी। नेक्स्ट ये देख लेते हैं, तो बाकी सारे तो सही हैं। ये वाला मैंने आपको जला के भी दिखा दिया, एक पीस मुझे ख़राब रिसीव हुआ है। तो देखते हैं कि इसका क्या करना है, मुझे रिटर्न डालना है या मैं इसको रहने दूंगी, लेट्स सी कि कैसे क्या होता है। इसका कनेक्शन हिला हुआ है शायद, ओके तो मैं इसको फिक्स कर लूँगी, इसका कनेक्शन हिला हुआ है, नो इशू, मैं इसे फिक्स कर लूँगी अपने आप से। तो कैसा लगा ये आज का प्रोडक्ट मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो कैसा लगा ये प्रोडक्ट आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ऑल इन ऑल थम्स अप प्रोडक्ट लगा है, बढ़िया लगा है। अगर आपको भी इस तरीके की चीज़ें परचेज़ करनी तो डेफिनेटली आप भी चेकआउट कर सकते हैं, पसंद आया हो। और अगर आपको परचेज़ करना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। मेरे लिए ये प्रोडक्ट थम्स अप में मस्ट गो प्रोडक्ट है, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे चैनल पर। गुड बाय।